का प्लान है इंजन ऑयल चेंज, और मैं बोलना भूल गया था दो हफ्ते पहले, एक सेकंड तो साउंड आ रहा है, तो एक हफ्ते दो हफ्ते पहले मैंने एक ऑटो वाले को ठोका था जो हिट किया मैंने लेग गार्ड को, तो ये लेग गार्ड अभी यहाँ से कट गया, तो अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी इसको मैं चेंज करूँगा। बट सोचा था लिक्विड मॉली यूज करूँगा, बट बजट इशू के लिए फिर से मोतुल ही यूज करूँगा 5100, क्योंकि अभी लेग गार्ड का खर्चा आया है, तो ऑब्वियसली मैं उतना खर्चा एक बार में नहीं कर पाऊंगा, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और मेरे पास पहले से वो पहले का 500 ml है, तो इसी को बिक्री करूंगा और दो नए पैक खरीदूंगा। तो अभी 6 महीना हो चुका है लास्ट इंजन को चेंज किए हुए थंडरबर्ड में। लास्ट टाइम मैंने मोटर 500 यूज किया था और बहुत ही मतलब खेत के साथ बताना पड़ रहा है कि मैंने तो इंस्टाग्राम में स्टोरीज में दिया था कि इस बार मैं लिक्विड मॉली या उठ जो भी हो एक सिंथेटिक ऑयल ट्राई करूंगा, वो अभी शायद हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक दो हफ्ते पहले अबाउट मैंने एक ऑटो वाले को ठोका था जिसका इम्पैक्ट मैं राइट जो लेग गार्ड है उसका राइट साइड में किया था, जिसकी वजह से मेरा जो लेग गार्ड है उसका जो वेल्डिंग होता है जॉइंट, वो जॉइंट से वो लेग गार्ड कट चुका है, और मुझे अभी इस लेग गार्ड पे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि सेफ्टी फर्स्ट, हमारे लिए सेफ्टी फर्स्ट है, तो इंजन से मैं एक बार कॉम्प्रोमाइज कर सकूंगा इस बार, बट लेग गार्ड से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो मेरा टारगेट है अभी इंजन ऑयल और लेग गार्ड, और इस बार मैं कंपनी का जो होता है लेग गार्ड होता है क्रैश गार्ड कंपनी निकाला है स्पेशली मेड बाय रॉयल एनफील्ड, वही डलवाऊंगा वही लगवाऊंगा, टारगेट वही है। तो चलिए चलते हैं अभी इंजन के शॉप पे, वहां से इंजन खरीदूंगा, उसके बाद इसको डालने जाऊंगा और लेग गार्ड का भी देखूंगा। थंडरबर्ड में सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगता है कि ये जो जब आप एक्सलेट करते हो ना थंडरबर्ड में, जब आप थंडरबर्ड में एक्सलेट करते हो, नॉट बी एस फोर बी एस सी मॉडल में, बी एस फोर में उतना परमानेंट है नहीं, बी एस सी में जब आप एक्सलेट करते हो तब जो ग्राउंड मिलता है ना साउंड, ये देखिए मैं फिर से एक्सलेट करूंगा,
Thank you.
लोग मेरे इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, सॉरी मैं उनको बोला था कि मैंने, जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ पहले बार, कि टारगेट था लिक्विड मॉली फुल सिंथेटिक, बट जो लेग गार्ड का जो एक एक्स्ट्रा वो जो खर्चा आया है तो उसके लिए लास्ट टाइम थोड़ा एक बार फिर से मुतुल 5100। तो मेरे पास ऑलरेडी पहले का 500ml था, तो मैंने सिर्फ दो बोतल एक्स्ट्रा खरीदा, 480 का लिया पर बोतल, टोटल 960, और डालने का मतलब जो लेबर जो मैकेनिक जो ऑयल को डाला गाड़ी में ड्रेन आउट करके फिर से, उसने सिर्फ लेबर चार्ज लिया 150 रुपये। एक एक जगह का एक एक रेट होता है। और ये रहा ऑयल फिल्टर, ये लिया 80 रुपीज, ये 80 रुपीज लिया, फोकस में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये आता है दो कंपनी का, मेरा वाला जो था अगर आप देखे वीडियो में उसमें लिखा था पर लेटर और पुर लेटर जो भी होता है प्रोनाउंसिएशन, और एक आता है इलोफिक बोल के। तो मैकेनिक बोल रहा था जब मैं उसको ऑयल फिल्टर दिया, देख के बोला सर ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल में ये इलोफिक लिखा होता है और डुप्लीकेट में ये पर लेटर या पुर लेटर जो भी होता है ये है। तो मैंने बोला भाई मैंने तो ये खरीदा मतलब वर्कशॉप से खरीदा, ऑथराइज वर्कशॉप से, तो जो दिया उन्होंने वही डाल दो, प्रॉब्लम नहीं। सेकंड जो मैकेनिक में फिर से अपना बैठ जाऊँ, मैकेनिक ने फिर से अपना जो मतलब ब्रेन यूज़ किया, यूज़ करके बोला कि मुझे ऐसे बोल रहा है कि देखिए ये डालना ठीक नहीं होगा, ये सिंथेटिक ऑयल है, तो इनफील्ड में सिंथेटिक ऑयल अच्छा नहीं होता, इंजन को डैमेज कर देता है, इंजन के कि मतलब मैं जो मन में आए बोल गए। तो मैंने बोला ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंथेटिक है नहीं, मुतुल 5100 सेवन सिंथेटिक ऑयल है, और मैंने बोला सिर्फ जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर दो, काम ख़त्म। तो ये रहा बेसिकली मैं जिस शॉप से ऑयल डालता हूँ, मैंने ऑलरेडी गया था तो वो क्लोज था ड्यू टू दुर्गा पूजा, मैकेनिक अभी आया नहीं होगा, छुट्टी पे है, तो मैं तो वेट नहीं कर सकता था, मुझे तो ऑयल डलवाना था, तो मैंने दो बोतल खरीद लिया 960 हो गया मुतुल। अभी आया बात लेग गार्ड का, तो लेग गार्ड जो मैंने पसंद किया कंपनी का ब्लैक मैट ब्लैक में आता है, उसका प्राइस है 2300। तो इसीलिए मैंने ये ऑयल डाला क्योंकि मुझे उसमें ही खर्चा करना है, तो एक साथ इतना खर्चा तो 2200 रुपये का इंजन ऑयल फिर 2300 रुपये का लेग गार्ड बहुत ज़्यादा है। तो मैंने अभी तक मैंने लेग गार्ड चेंज नहीं किया, वही है अभी मेरा जो बजट है उसमें अभी भी 1000 रुपीज़ शॉर्ट है, मेरे पास 1300 रुपये है, लगेगा 2300 रुपये, तो कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा जब तक मेरे पास 1000 रुपये आ नहीं जाते। तो आज का वीडियो इतना ही, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपने देखा वीडियो जो कैमरा ड्यूरिंग राइडिंग, जब मैं राइड कर रहा था मेन रोड्स पे या जब बोल रहा था, तो बेसिकली मेरा कोई एक्शन कैम है नहीं, ये जो मेरा फ़ोन है रेडमी नोट 5 प्रो उसी को मैंने वीडियो ऑन करके जो मेरा जो यहाँ पे होता है पॉकेट होता है उसमें ऐसे रख दिया, जब चल रहा था तो वही से रिकॉर्ड हो रहा था। तो पहली बार किया तो अगर कुछ गलतियाँ हुई तो फिर से सॉरी, क्योंकि पहली बार किया ना ऐसे मतलब ऑड लगता है, क्योंकि एक्शन कैमरा है आपके पास कम मार्केट में, मेरे पास है नहीं अभी तक, तो मैंने ऐसा इंडियन जुगाड़, तो मैंने उसी वजह से पॉकेट में रख दिया, वहीं से रिकॉर्डिंग चालू करना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे कि कुछ वीडियो के कुछ कुछ टाइम में ऐसा कैमरा से बेंड हो गया था दूसरे एंगल में, मतलब तो फ्रंट नहीं दिख रहा था सिर्फ हैंडल दिख रहा था, तो उस सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और शायद अगली बार कुछ अच्छा जगह ढूंढूंगा जहाँ पे मैं कैमरा या फ़ोन रख के कर सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सेम बात सभी को, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब पे, रेड बटन है उसको दबाइए, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।